होता है तो मुझे भी दिखाने का मौका मिलता है और हर कुछ हर तरीके से ड्रेस पहनने का मौका मिलता है ये 9 दिनों में और ऊपर से उपास फास्टिंग ये एक अलग ही जोश और एक्साइटमेंट होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमने आमतौर पर जो गरबा होता है मैदानों में देखा लेकिन आज फर्स्ट मैं देख रहा हूँ इंडोर गरबा हो रहा है तो उसको क्या करना चाहिए? ये एक्चुअली मैंने भी पहली बार देखा क्योंकि मैं अहमदाबाद बड़ोडा बेंगलोर फिर मुंबई के आउटडोर देख चुकी हूँ पर ये इंडोर देख के मुझे और जोश आ गया। मुझे इतना अच्छा लग रहा है मतलब कुछ बोलने के लिए शब्द ही नहीं है मेरे पास और लोगों को इतना जोश देखते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ तभी क्या होता था जब हम लोग स्कूल में थे तब फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन हुआ करता था और हम लोग गरबा के यू नो पूरा टिपिकल ड्रेस पहन के जाया करते थे और इवेंट में फैशन शोज में पार्ट लिया करते थे तो ये अलग ही बात होती थी हम लोग के लिए। बट अभी क्या है अभी हम लोग सोच सकते हैं कि कुछ और तरीके से ड्रेस पहन सकते कुछ और तरीके से हम लोग गरबा को सेलिब्रेट कर सकते ये कुछ अलग तरीका से है। अच्छा जो माता जी के 9 दिन का 9 दिन पूजा व्रत रखा तो आप कुछ व्रत रखते हैं? सॉरी व्रत रखते हैं 9 दिन का या कुछ? मैं एक्चुअली वो झूठ नहीं बोल सकती जब माता कहीं यहाँ आई हूँ माता का बुलावा आया है मैं झूठ नहीं बोल सकती। मैं हाँ अष्टमी के दिन फास्टिंग करती हूँ और नवमी के दिन मैं कुछ कुमारी लड़कियों को बुला के मैं उनको खिलाती हूँ। थैंक यू सो मच वेरी मच जय माता दी। जी मैंने तो काफ़ी स्टेप्स किए हैं मुझे एज आई एम सेइंग लाइक आई एम अ गुजराती आई एम सेजल मांडविया एंड आई एम प्योर गुजराती तो मुझे गरबा डांडिया खेलना काफ़ी अच्छा लगता है काफ़ी उत्साह मिलता है और काफ़ी प्रेरणा मिली है लोगों को देख के ऐसा लगा है कि लाइक यू नो एवरी वन हैज़ दैट इंस्पिरेशन एंड दैट पैशन टू डांस 9 days एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट आई एम टेलिंग यू इसको सीखा जाता है एक्चुअली गरबा डांडिया जो है ये काफ़ी ट्रेंड तरीके से खेला जाता है एज यू कैन सी इन साइड। अच्छा हमने गरबा मैदानों में देखा है ये इंडोर गरबा हो रहा है तो उसमें क्या करना चाहिए? इंडोर गरबा इज़ मोर फन क्योंकि स्पेशली आपको गर्मी नहीं होती ज़्यादा एंड यू कैन लॉट ऑफ स्पेस ऑल्सो इन इंडोर इट्स नथिंग लाइक दैट इंडोर हो या आउटडोर हो यू शुड बी कम्फर्टेबल। जैसे आज गरबा का 8वां दिन है तो आपने कितने दिनों तक डांस किया गरबा जैसे कि 8वां दिन तो आपकी आज जैसे कि हमने देखा स्टेप भी हमारे पास जी जी देखिए मैंने सिर्फ 2 दिन खेला है आज थोड़ी सी झलक देखने को मिली है और परसों भी मैंने थोड़ा सा खेला। बचपन की फाल्गुनी पाठक की काफ़ी अच्छी मेमोरीज है मेरी कि मैं हर साल अपने पेरेंट्स के साथ जाती थी फाल्गुनी पाठक के यहाँ और काफ़ी डांस खेलती थी मतलब गरबा डांडिया जो भी है हमारा स्टेप होता है ट्रेडिशनल गुजराती ड्रेस पहन के और काफ़ी तैयारियाँ होती थी और अभी भी मैं उतनी ही ज़्यादा उत्साहित हूँ डांडिया और गरबा खेलने के लिए। आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड टू प्ले। जैसे कि 9 दिन का 9 दिन माता जी की पूजा होती है व्रत रखते हैं तो आप कुछ ऐसा व्रत रखते हैं 9 दिन या अष्टमी के दिन या स्टार्टिंग का कोई व्रत रखते हैं आप? देखिए मैं एक्चुअली व्रत में नहीं मानती बट हाँ मैं दिल से ज़रूर दुआ करती हूँ गॉडेस से कि भगवान सबको खुश रखे अम्बे माता सबको खुशियाँ दे और हाँ सबकी पूजा अर्चना आराधना सुन ले। अरे जाते जाते एक बार नवरात्रि की शुभकामना दशहरा मैं सेजल मांडविया मॉडल एंड एक्ट्रेस आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ नवरात्रि की और दशहरा की नमस्ते। नवरात्रि के दिन है
नौ दुर्गा के दिन है, जितनी दिन नौ दिन तो आराम से सज सकते हैं, तो इस दिन मैं हमेशा डांस करती रहती हूँ, गरबा करती रहती हूँ और स्पेशली माता की आराधना करती रहती हूँ। अच्छा, आज के गरबा की एक्सपीरियंस की बात की जाए तो कैसा लगा? इंडोर गरबा हो रहा है। इंडोर गरबा हम लोग पहले सुना करते थे गाँव में, जहाँ होते थे बड़ी बड़ी स्कूल्स होती थी उनके बड़े बड़े हॉल्स में होते थे, शहर में इतनी जगह नहीं है। यहाँ बहुत अच्छा लगा आकर के, एकदम कूल काम ठंडा एनवायरनमेंट, आराम से आप नाच रहे हो, मतलब आपका टाइम का कोई पता ही नहीं है कि आप कितने बज गए रात के और चले जा रहे हैं, तो यही एक खासियत है गरबे की और ये होनी चाहिए। सो आई एम डेफिनेटली इन फेवर ऑफ दिस, आई लव इट। इंडोर गरबा एनी टाइम। मैं व्रत रखती हूँ, हर बार व्रत रखती हूँ, छोटी दोनों छोटी नवरात्रि और ये बड़ी नवरात्रि का भी व्रत रखती हूँ। मैं व्रत में सिर्फ फ्रूट्स खाती हूँ और सिर्फ एक टाइम फलहार जो होता है वो खाती हूँ, तो नौ दिन कंटिन्यूसली मेरे घर पे इतने सारे फ्रूट्स आते रहते हैं कि मैं खाती रहती हूँ। अच्छा, गरबा की बात की जाए तो बचपन में कुछ मेमोरीज याद आते हैं जो आप? हाँ, बचपन में हम लोग जहाँ खेलने जाते थे, एक छोटा सा प्लेस है भंडारा डिस्ट्रिक्ट के पास गोंदिया, वहाँ पे गुजराती स्कूल था एक बड़ा सा, वहाँ पे हम लोग खेलने जाते थे, तो वहाँ पर एक्चुअल में ढोल बजते थे गरबे के लिए, तो मैं बचपन में इतना ज़्यादा खेलती थी कि लास्ट में सब लोग थक जाते थे, मैं और जो ढोली है हम दोनों की कंपटीशन लगती थी। एक बार ऐसा हुआ था कि ढोली जो है वो बजाते बजाते थक गया, दो घंटे से बजा रहा है, उसके हाथ में छाले पड़ गए, खून निकल गया, लेकिन वो बजाए जा रहा है और मैं नाचे जा रही हूँ, और पता नहीं क्या हुआ था, सब लोग कहते मुझे माता आ गई थी, बट दैट वॉज नॉट द केस। बहुत मज़ा आया और अभी भी मुझे कभी बस छोड़ दो मुझे नाचने के लिए, मैं नाचना शुरू कर देती हूँ। अच्छा, दिवाली आ रहा है, ये दिवाली आपसे कितना खास है क्योंकि आप टेलीविजन में वापसी कर रहे थे, कितना खास है? दिवाली बहुत खास है इस बार, आई होप मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए और मैं चाहती हूँ कि आप सबकी भी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए, सो आई विल जस्ट प्रे टू माता जी, जय अम्बे माँ। अच्छा, जाते जाते शुभकामनाएं दशहरा की आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं।